नमस्कार, आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जूम ऐप या फिर सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जूम ऐप जो है वो आप मोबाइल, टैबलेट या फिर कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड बेस, विंडोज बेस या iOS बेस पे काम करता हो। आज हम मोबाइल और लैपटॉप पे जूम का उपयोग कैसे किया जा सकता है उसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दूसरी बात कि ऑनलाइन पढ़ाना एक बहुत ही आयोजन युक्त काम है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद लास्ट में कुछ खास प्रकार की सूचनाएं मैंने खास तौर पे शिक्षक के लिए दी है, जो मैं चाहता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप खास देखें। यह वीडियो यदि आपको मदद रूप पुरवार हो और आपको लगे कि आपको बहुत अच्छी हेल्प हुई है, तो स्क्रीन पर दिखे गए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे कृपया बताइए कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा। थैंक यू। लैपटॉप पे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी आपका इंटरनेट ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम आपको ओपन करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एड्रेस बार में zoom.us zoom.us टाइप करना रहेगा और एंटर करना पड़ेगा, जिससे कि जूम की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। यह वेबसाइट खुलने के पश्चात अपर राइट साइड आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज टैब के अंदर पहले वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड जूम क्लाइंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपके सामने ये दूसरी वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे ये दो ऑप्शन में से ये पहला वाला जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग, ये जो है इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा या तो फिर आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। डाउनलोड होने के बाद आपको उस फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपका जूम इंस्टॉल हो जाएगा, आपके सामने यह वाली स्क्रीन आ जाएगी। यह आपको पूछेगा ज्वाइन मीटिंग या फिर साइन इन के लिए। हमको सबसे पहले साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे गूगल अकाउंट से या फिर फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मेरा अगेन ये पर्सनल सजेशन है कि आप कोई और आईडी से साइन अप करें, तो यहाँ से आप उसको साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपके सामने यह वाली स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना पड़ेगा और साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करने के साथ जूम एक मेल आपके ईमेल आईडी पे भेजेगा, तो आपको दूसरी टैब में आपका ईमेल ओपन करके वहाँ से यह एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के साथ यह नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड यह आपको एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड के लिए ध्यान रखिए कि ऑलरेडी आपको वहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से एक कैपिटल लेटर, एक नंबर और एक सिंबल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्क्रीन स्किप कर सकते हैं, आप स्किप कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका मीटिंग का जो आईडी है वो क्रिएट हो गया है और आपको दो ऑप्शन ऑफर हो रहे हैं, स्टार्ट मीटिंग नाउ और गो टू माय अकाउंट, और आप यहां से इसको बंद भी कर सकते हो। और डेस्कटॉप पे जूम
आइकन पे डबल क्लिक करने के बाद अगर हम ये एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो टॉप मोस्ट में आपको दिख रहा है ये आपका प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन है, इसके नीचे ये सेटिंग गियर है, उसके साथ यहाँ पे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, होम, चैट, मीटिंग और कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पे चार ऑप्शन और दिए गए हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। लेकिन हम आज देखेंगे कि न्यू मीटिंग शेड्यूल कैसे की जाती है। यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखा जाए, जैसे ही आप शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें ये रहा आपका टॉपिक, जो आपका खुद का नाम या फिर सब्जेक्ट या चैप्टर आप इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, मीटिंग का स्टार्ट टाइम रहेगा, एंड टाइम रहेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम जोन, ये आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। खास बात कि अगर एक ही आईडी आप रोज़ क्लास लेना चाहते हैं या रोज़ एक ही मीटिंग करना चाहते हैं तो रीअकरिंग मीटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे पर्सनल मीटिंग आईडी इसको सिलेक्ट करना है। आप ये आईडी और पासवर्ड नोट करके रख लीजिए ताकि आपके स्टूडेंट्स को या फिर जिसको भी मीटिंग अटेंड करनी हो आपको आप उनको मैसेज दे के इन्फॉर्म कर पाए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो वीडियो है वो मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है पार्टिसिपेंट्स का और होस्ट दोनों का, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप वीडियो चालू करते हैं तो आप खुद एकदम प्रोफेशनल पोजीशन में नहीं हो सकते हैं शायद, तो बेटर है कि सिक्योरिटी के तौर पे इसको ऑफ किया जाए। पार्टिसिपेंट का आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं। कैलेंडर में मैं पर्सनली सुझाव देता हूँ कि आप कोई अदर कैलेंडर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद हम देखेंगे एडवांस ऑप्शन, जिसके अंदर यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए कि इनेबल वेटिंग रूम, ताकि कोई स्टूडेंट्स अगर आपसे पहले आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाए तो वो आपका मीटिंग यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आप उसको अलाउ ना कर दे। इनेबल ज्वाइन बिफोर, उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, बाकी किसी को आपको सिलेक्ट नहीं करना है। एक बात और, आप यहाँ पर म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री ये आप कर सकते हैं ताकि आपको शुरू से ही कोई आवाज़ ना आए। फिर अगर आपने शेड्यूल का बटन क्लिक कर दिया तो आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि जूम का यूज़ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप पे जूम आइकन पे डबल क्लिक कीजिए, जैसे कि आपको ये स्क्रीन प्राप्त होगी। इसमें आपको अब साइन इन करना होगा। साइन इन पे क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके लिया है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। जिससे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, जिसके यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउन एरो पे क्लिक करने पे न्यू मीटिंग के अंदर स्टार्ट विथ वीडियो और स्टार्ट विदाउट वीडियो का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी आप अपना कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी ये जो ऑप्शन है उसको ही सिलेक्टेड रहने दीजिएगा, क्योंकि यही आईडी आपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है, इसको सिलेक्टेड रहने दीजिए और न्यू मीटिंग पे क्लिक कर दीजिए। न्यू मीटिंग पे क्लिक करने के साथ आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको जॉइन विथ कंप्यूटर ऑडियो इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। हालाँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कैमरा ऑफ रख के मीटिंग चालू की है, इसलिए आपके ये स्क्रीन दिखने को मिलेगी। जैसे ही कैमरा ऑन करता करूँगा यह कैमरा ऑफ है, ऑन करने से यह आपको वीडियो चालू हो जाएगा। अच्छा,
ये आपका वीडियो चालू हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको फुल स्क्रीन में इंटरप्ट हो सकते हैं। फुल स्क्रीन पे एंटर होने के साथ आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो नहीं दिख रहे, तो माउस को वापस वहाँ पे लाने से, डॉक करवाने से आपके वो ऑप्शंस वापस अवेलेबल हो जाएंगे। आइए ये सारे ऑप्शंस को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने यह माइक का ऑप्शन, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप खुद अपने आप को म्यूट या अनम्यूट कर पाएंगे। जब भी आपको अपना माइक बंद करना है तो आप यहाँ से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉप वीडियो का ऑप्शन, यहाँ से आप अपना खुद का वीडियो स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, ताकि आप देखना अपने आप को दिखाना चाहते या नहीं दिखाना चाहते वो कर सकते हैं। यहाँ से ये दो चार और ऑप्शन है, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स, चैट, शेयर स्क्रीन, रिकॉर्ड और रिएक्शन, लेकिन हम कुछ काम के जो है उसी के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर आपको यूज़ करना होगा ये पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन। पार्टिसिपेंट्स पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उसके लिए मान लीजिए कि आपको किसी ने कोई मीटिंग ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में जितने भी नंबर के पार्टिसिपेंट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये राइट साइड में आपको पूरा पार्टिसिपेंट का लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं उनका नाम आपने आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे ये माइक्रोफोन और वीडियो का आइकन आपको देख रहा है, जिसे पता चलेगा कि उनका माइक और वीडियो दोनों चालू है कि बंद है। लास्ट में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इनवाइट, म्यूट ऑल और अनम्यूट ऑल, यह बहुत काम की चीज़ है। एक साथ सारे स्टूडेंट्स को म्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे म्यूट ऑल के ऊपर क्लिक करना होगा, और जब आप कोई क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से अनम्यूट ऑल का बटन पे क्लिक करके सबको एक साथ अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक स्टूडेंट को, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को अनम्यूट करना है, तो आप उसके नाम के सामने जाके ये जो माइक्रोफोन दिख रहा है उसको आप क्लिक करके म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है चैट का ऑप्शन, जिससे कि आपको किसी को मैसेज भेजना है, सारे स्टूडेंट्स को कोई नोट भेजनी है, होमवर्क, ऐसा इट्स लाइक चैटिंग, तो आप यहाँ से उसको चैट कर सकते हैं। मेन ऑप्शन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने से आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने पर आपके सामने यह शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने पर आपके सामने यह ऑप्शन अवेलेबल होगा, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन शेयर कर सकता है। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करने से आपके पास ये तीन ऑप्शन अवेलेबल होंगे, बेसिक, एडवांस और फाइल्स। बेसिक में आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जो भी आपकी ओपन प्रोग्रामिंग है, वाइट बोर्ड और आईफोन या आईपैड। व्हाइट बोर्ड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आप ये व्हाइट बोर्ड को सिलेक्ट करके जब शेयर करेंगे तो यहाँ से आप लिखना या जो भी है ड्रॉ करना यहाँ से आप कर सकते हैं। खास एक बात पे गौर यहाँ पे भी फरमाइए कि ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप स्टॉप शेयर करके वापस अपने लेसन की तरफ जा सकते हैं। एडवांस पे क्लिक करने पे पोर्शन ऑफ स्क्रीन, म्यूजिक और कंटेंट फ्रॉम सेकंड कैमरा, यदि आप कोई दूसरा कैमरा यूज़ करें वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और फाइल्स पे
अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोई भी सोर्स का यूज़ करके आप अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं। लास्ट में मीटिंग में आपका पढ़ाना ख़त्म हो गया हो तो यहाँ आप ये जो रेड कलर का एंड लिखा है उसके ऊपर क्लिक करने से आप ध्यान रखिएगा कि आपको एंड मीटिंग करना है, लीव मीटिंग मत कर दीजिएगा। एंड मीटिंग से आपका सेशन वहाँ पे एंड हो जाएगा। नमस्कार, अब टीचर्स के लिए कुछ खास सूचनाएं। मैथ्स और साइंस के टीचर्स लैपटॉप के थ्रू ही इसका इस्तेमाल करें, जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी। बाकी टीचर्स के लिए मोबाइल के थ्रू यूज़ करना ठीक रहेगा। दूसरा पॉइंट, प्रोफाइल सेटिंग के दौरान अगर आप अपना वीडियो शेयर नहीं करना चाहते तो प्रोफाइल में आपका प्रोफेशनल लुक वाला एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए ताकि बच्चे आपको ढूंढ पाए। आईडी और पासवर्ड लिख के रखें ताकि आपको बच्चों को बाद में मैसेज करना होगा। अगर आप बार बार क्लास लेना चाहते हो तो मीटिंग शेड्यूलिंग करने के दौरान रिकरिंग मीटिंग पे क्लिक कर दीजिए। मीटिंग शेड्यूल करते दौरान इनेबल वेटिंग रूम और म्यूट ऑल, ये आप जरूर सेलेक्ट करके रखें। बच्चों को आप एडवांस में नोटिफिकेशन दे दीजिए कि अगर ऑडियो ब्रेकिंग हो रहा है या वीडियो नहीं दिख रहा है तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उनको और आप खुद जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आ रहा हो आपके घर में, उस जगह को पसंद कीजिए। बच्चों को नोटिफाई कर दीजिए कि मीटिंग शुरू होने के पहले 3 मिनट के पहले सबको लॉग इन होके रिक्वेस्ट भेज देनी है ताकि आप एक सबको साथ में एडमिट कर दो, नहीं तो फिर आप बार बार एडमिट करते रहोगे और टाइम इसी में चला जाएगा। आप खुद मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जो टाइम बच्चों को दिया है उसके 5 मिनट पहले आप लॉग इन हो जाओ। कैमरे की पोजीशन ठीक कर ले और उसे किसी फिक्स स्टैंड के ऊपर बना दे ताकि आपका फोटो, आपका वीडियो जो है वो झुका हुआ, बहुत दूर या फिर ऊपर नीचे ना आ पाए। अपना वीडियो चेक कर लीजिए बैकग्राउंड में आपके पास कोई ऐसी इमेज क्रिएट ना हो कि जिससे देखने वाले को कोई परेशानी हो। स्क्रीन शेयर करने के लिए और म्यूट और अनम्यूट सबको एक साथ करने के लिए शॉर्टकट की है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको इजी रहेगा। और एक बार मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार उसकी रिहर्सल जरूर कर ले। थैंक यू।